दोस्तों दुनिया भर में अलग तरह की बीमारी के इलाज के लिए बहुत से अनोखे तरीके अपनाए जाते हैं। चीन में इलाज के लिए एक विशेष तरीके को अपनाया जाता है। इस विशेष तरीके के इलाज को फायर थेरेपी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि मरीज का इलाज करने के लिए उसे आग से झुलसाया जाता है, मतलब आग में जलाया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, आगे में देखेंगे इसके बारे में पूरा डिटेल। वीडियो के दूसरे पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा नेवला और सांप की लड़ाई के बारे में। दोस्तों दुश्मनी के बारे में आपने कई बार पढ़ा और सुना होगा, लेकिन क्या कभी नेवला और सांप की लड़ाई देखी है? अगर नहीं देखी तो आज मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ। तो बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में पूरे एंड तक, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। नए व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो और बाजू में दी घंटी दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लेना, और हाँ, वीडियो के नीचे लाइक बटन को जरूर प्रेस कर लेना। दोस्तों यह विशेष प्रकार की फायर थेरेपी चीन में पिछले 100 सालों से प्रचलन में है। वैज्ञानिक युग में भी चीन में आग से झुलसाकर बीमारी का लोगों का इलाज किया जाना कोई नई बात नहीं है। यही नहीं, इस दौरान मरीज का इलाज भी अनोखे ढंग से किया जाता है। मरीज के शरीर पर पहले अल्कोहल छिड़का जाता है, इसके बाद इस अल्कोहल में आग लगा दी जाती है। फायर थेरेपी से इलाज करने के लिए चीन में झांग फेंगो काफ़ी लोकप्रिय चिकित्सक है। उनका कहना है कि फायर थेरेपी मानव इतिहास की चौथी बड़ी सबसे क्रांति है। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया ने चीन और पश्चिमी देश के इलाज पद्धतियों को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। माना जाता है कि आग की गर्मी और जड़ी बूटियों का मिश्रण तुरंत ही शरीर को राहत पहुंचाने का काम करता है। चीन के लोग इसे एक खास तरह का इलाज कहते हैं। इस प्रक्रिया से तनाव, बदहजमी, बांझपन से लेकर कैंसर तक का इलाज किया जाता है। पिछले 100 साल में ज़्यादा समय से चीन के चिकित्सक इस थेरेपी को अपना रहे हैं। फायर थेरेपी की कई वीडियोज़ और तस्वीरें आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाएगी। हालांकि इन वीडियो के माध्यम से आप यह नहीं जान सकते कि यह थेरेपी रोग सच में कारगर है या नहीं। इस थेरेपी के कारगर होने के कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं। इन वीडियो को देखकर आप इस थेरेपी को अपनाने की गलती ना करें। बिना किसी एक्सपर्ट और चिकित्सक की सलाह आपके लिए यह काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों आपका क्या कहना है इस थेरेपी के बारे में मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपके कमेंट देखना चाहूँगा। तो दोस्तों चलिए अब हमारे वीडियो के दूसरे पार्ट के बारे में जानते हैं। दोस्तों दरअसल सोशल मीडिया में एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक नेवला एक सांप पर अटैक करता दिखाई दे रहा है। नेवला बीच सड़क पर सांप के ऊपर हमला कर देता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कोबरा सांप सड़क पार कर रहा है। इसी दौरान एक नेवले की नज़र कोबरा पर पड़ जाती है और वह कोबरा पर हमला कर देता है। नेवले को देखकर कोबरा फन उठाकर खड़ा हो जाता है। उसके बाद नेवला कोबरा के चारों ओर घूमने लगता है, साथ ही कोबरा भी अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। नेवला जैसे ही कोबरा पर हमला करता है, वैसे कोबरा फन से नेवला पर हमला कर देता है। कोबरा अपनी जान बचाने के लिए नेवले से खूब लड़ता है। नेवला बार बार कोबरा के फन पर वार करता है, जिससे वो कोबरा को मार सके, लेकिन कोबरा जान बचाने के लिए बार बार अपना फन उठाकर नेवले पर वार करता है। आखिर में कोबरा हार जाता है और नेवला कोबरा का फन पकड़ लेता है और उसके बाद उसके फन को काटने लगता है। 1 मिनट के इस वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। दोस्तों सांप को मारने की कोशिश करना आसान बात नहीं है, लेकिन नेवलों के पास अपनी ट्रिक्स होती है। लाखों सालों से उनके साथ रहने के बावजूद वो इनको मारने में कामयाब होते आए हैं। तो दोस्तों कैसे लगी आपको इन दोनों के बीच की लड़ाई, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और स्क्रीन पर जो दो वीडियो दिख रहे हैं उनको भी आप जरूर वॉच कीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड टेक केयर।